ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा व्हाट इज हेल्थ, क्या डेफिनेशन है उसकी, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर हेल्थ. ठीक है, नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक है, हेल्थ जो है वो एक पर्सन के लिए पर्सनली इम्पॉर्टेंट नहीं है खाली, बिकॉज एक पर्सन जब हेल्दी होता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर इफिशेंटली वर्क कर पाता है. ठीक है, वो अपनी फैमिली के वर्क कर पाता है, दैट मीन्स ही विल मेक हिज फैमिली हैप्पी. ठीक है, वो अपनी सोसाइटी के लिए वर्क कर पाता है, दैट मीन्स ही विल मेक हिज सोसाइटी टू प्रोग्रेस. दैट मीन्स अ हेल्दी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिमसेल्फ एज वेल फॉर हिज फैमिली एंड सोसाइटी. दैट मीन्स अ हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर अ पर्सन ऑल्सो एंड फॉर अ सोसाइटी ऑल्सो. ठीक है, तो इन दिस वे वॉट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इज फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर सोसाइटी. ठीक है, द नेक्स्ट इज वॉट इज डिजीज. ठीक है, ये हमने देखा हेल्थ क्या होता है, अब हम देखेंगे डिजीज क्या होता है. ठीक है, तो डिजीज इज वॉट, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. ठीक है, एंड इट इज एनी कंडीशन विच अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड impairs health. ठीक है, कोई भी कंडीशन जो कि हेल्थ जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे इंटरफेयर करे, अफेक्ट करे एंड हेल्थ को इम्पेयर करे, दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ, दैट इज कॉल्ड एज डिजीज. ठीक है, डिजीज क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है बॉडी एंड माइंड की. ठीक है, एनी कंडीशन विच अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड impairs health is called as disease. It could be a morphological improper functioning. That means कोई स्ट्रक्चर, कोई पार्ट जो है मॉर्फोलॉजिकल उसका कुछ डैमेज हो रहा है. ठीक है, तो वो कहलाएगा मॉर्फोलॉजिकल. दूसरा होगा फिजियोलॉजिकल, अगर कोई फंक्शनिंग किसी ऑर्गन की वो इम्प्रॉपर हो रही है तो उसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल डिजीज. अगर मेंटली कोई इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है तो हम उसे कहेंगे साइकोलॉजिकल डिजीज. ठीक है, तो अ डिजीज कैन बी मॉर्फोलॉजिकल, दैट मीन्स बॉडी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, फिजियोलॉजिकल दैट मीन्स फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस आ सकते हैं बॉडी की. साइकोलॉजिकल दैट मीन्स मेंटली जो है पेशेंट या पर्सन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग शो कर सकता है. ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज अ डिजीज. अगर कोई कंडीशन जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करे तो वो कहलाएगी डिजीज. ठीक है, इट इज अपोजिट ऑफ हेल्थ इज डिजीज. ठीक है, हेल्थ नहीं है दैट मीन्स डिजीज है. ठीक है, बट अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्दी इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, क्योंकि हमने बोला है कि एक पर्सन अगर सोशली इनएक्टिव है, सोशली आइसोलेटेड है, दैट मीन्स दैट ही इज नॉट हेल्दी. ऑल्दो उसको बॉडी में कोई इम्प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, मेंटली इज फाइन, बट इफ ही इज नॉट सोशली एक्टिव वी कैन नॉट से दैट ही इज हेल्दी. ठीक है, सो नाउ डिजीज हमने पढ़ा, डिजीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे डिजीज के टाइप्स जो हैं कौन कौन से हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिजीज, सबसे पहला जो डिजीज है वो हो सकती है कॉन्जेनाइटल डिजीज और दूसरी हो सकती है एक्वायर्ड डिजीज. ओके, तो there are two types of diseases, first is congenital and second is acquired. ठीक है, congenital diseases वो diseases होती हैं which any person get from birth, since birth. ठीक है, birth से ही जो disease हो किसी भी बच्चे को तो उसे हम कहेंगे congenital diseases. ठीक है, by birth या inborn diseases जो होती हैं, hereditary diseases जो होती हैं, they comes under the congenital diseases. ठीक है, congenital diseases में दो टाइप की disease हो सकती है, एक तो due to gene mutation, ठीक है, एक हो सकती है due to the chromosomal
म्यूटेशन। ठीक है, अब ये क्या है, किस बला का नाम है, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जीन म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, ये जो डीएनए है किस में रहता है, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में ये जो डीएनए होता है उसका एक पर्टिकुलर जो पार्ट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है क्रोमोसोम्स का जो है वो कहलाता है जीन्स, विच इज अ बेसिक यूनिट फॉर हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जीन्स जो है, अगर इन जीन्स में कोई जो है गड़बड़ हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है जो कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है वो क्रोमैटोमियर कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है, सॉरी। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम्स है ये सेंट्रोमियर से इनकी आर्म्स कहलाती है, क्रोमेटिड्स होती है, वन सिंगल जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर इसकी कोई आर्म जो है वो मिसिंग हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये आर्म जो है वो ना हो, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में एक और हो सकता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए उससे क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या क्रोमोसोम कम हो जाए। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है कम या ज्यादा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स और वाई, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। अगर ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में कुछ म्यूटेशन हो जाए, चेंजेस हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए, जो कि बाय बर्थ है, तो उसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है कि टू एक्स क्रोमोसोम्स हो और एक वाई क्रोमोसोम्स हो। ठीक है, या हो सकता है कि एक्स एक क्रोमोसोम हो और वाई दो क्रोमोसोम हो। ठीक है, या फिर सिंगल एक्स क्रोमोसोम हो सकता है। तो इन दिस वे ये जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, इसमें म्यूटेशन की वजह से जो है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको जीन म्यूटेशन क्या होता है। पर्टिकुलर जीन्स में अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो, जीन्स क्या होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी आई कलर जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, स्किन कलर के लिए एक पर्टिकुलर जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या होगा कि अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, उसमें कोई चेंज हो जाए, उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, तो इट विल कॉज अ जीन म्यूटेशन कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जो है वो है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है, जो हीमोफीलिया होता है वो हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर होता है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन के लिए पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है उसमें मॉडिफिकेशन होने की वजह से द पर्सन इज यू नो सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया डिजीज, जिसमें क्या होता है कि उस वजह से जो है उस पर्सन को हीमोफीलिया में जो जीन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, नॉट हीमोग्लोबिन, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया होता है। और इन दैट केस क्या हो सकता है इस हीमोफीलिया में कि जो बच्चा रहेगा उसको क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर होने की वजह से कभी भी इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो कंटिन्यूस क्या होगा, ब्लड का लॉस होने लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया, जो कि एक जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर है। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में द पर्सन इज नॉट एबल टू यू नो परसीव सम स्पेसिफिक कलर, सो दैट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये जो है दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जीन म्यूटेशन। दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसके की एग्जांपल थे टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ठीक, तो ये हमने पढ़ा कंजेनाइटल डिजीज के बारे में। अब जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं, एक्वायर्ड डिजीज जो हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक्वायर्ड डिजीज होती क्या है, एक्वायर्ड डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच एनी पर्सन यू नो गेट आफ्टर द बर्थ, सो दीज आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड। ठीक है, द बेबी और अ पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज फ्रॉम द वोम्ब और सिंस इट बर्थ। ठीक है, इट इज नॉट अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ठीक है, सो इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर, द पर्सन एक्वायर इट आफ्टर ही
बोन, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है. अब नाउ एक्वायर्ड डिजीजेस जो हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यू नो इफ दे कैन बी स्प्रेड और नॉट कैन नॉट बी स्प्रेड, ठीक है. फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर वाया एयर, वाटर, फूड और कॉन्टैक्ट. सो दीज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है. अदर डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. दीज डिजीजेस कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है. तो सबसे पहला हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. तो वो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है. उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है. फर्स्ट इज ड्यू टू द कॉजेटिव एजेंट एंड सेकेंड इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट एनी डिजीजेस कैन बी बैक्टीरियल डिजीजेस, एनी डिजीजेस कैन बी वायरल डिजीजेस, एनी डिजीजेस कैन बी फंगल डिजीजेस, ठीक है. एनी डिजीजेस कैन बी प्रोटोजोअल डिजीजेस, ठीक है. सो दीज आर बेसिस ऑन कॉजेटिव एजेंट. पैथोजन जो है वो कौन से पर्टिकुलर टाइप का पैथोजन डिजीजेस कॉज कर रहा है, उस बेसिस पर जो है हमने इसका डिविजन किया है. तो इट कैन बी बैक्टीरियल, बैक्टीरियल फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसे कहते हैं हम, ठीक है. तो बैक्टीरियल डिजीजेस हम कहेंगे. दूसरा वायरल डिजीजेस हो सकती है. वायरल डिजीजेस जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स, ठीक है, पोलियो, दीज आर ऑल वायरल डिजीजेस, ठीक है. नाउ फंगल डिजीजेस, ठीक है. फंगल डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती है, रिंगवर्म, ठीक है, स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया, फंगल इंफेक्शंस ऑफ स्किन, कैंडिडियासिस. सो दीज आर ऑल वॉट, फंगल डिजीजेस, ठीक है. नाउ सम डिजीजेस कैन बी प्रोटोजोअल डिजीजेस विच आर कॉज बाय प्रोटोजोअन्स, ठीक है. तो मलेरिया, मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, तो इट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है. दूसरा मलेरिया के अलावा जो है हमारा और कौन सा हो सकता है जो प्रोटोजोअन से होती है, अमीबियासिस, ठीक है, जो डिसेंट्री होती है अमीबा के वजह से. अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, तो अमीबियासिस इट्स अ, ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीज, अमीबियासिस या डिसेंट्री जो कि अमीबा की वजह से होती है, और मलेरिया. मलेरिया इज वेरी कॉमन डिजीज जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है. तो इट कुड बी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ठीक है. एक और फॉर्म जो हो सकता है वो हो सकता है पैरासाइटिक, ठीक है. पैरासाइटिक डिजीजेस, पैरासाइटिक डिजीजेस जो है इसमें कुछ पर्टिकुलर पैरासाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर जो है वो क्या हो सकते हैं, हमारी बॉडी से हमारा न्यूट्रिशन ले सकते हैं और हमें अफेक्ट कर सकते हैं. पैरासाइटिक डिजीजेस में वर्म्स, ठीक है, इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स, ठीक है, और एस्कैरियासिस, दीज आर ऑल वर्म्स जो कि पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है. अमीबा इज ऑल्सो अ पैरासाइट, तो इट कुड बी पैरासाइटिक डिसीजेस जिसमें कि पर्टिकुलर वर्म्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर या बाहर जो हैं एज ए पैरासाइट रह सकते हैं, ठीक है. तो दीज आर ऑल कॉजेटिव एजेंट्स, डिजीजेस ड्यू टू द कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज में ही हम देख रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पर जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो दो टाइप की हो सकती है. एक हो सकती है कॉन्टैजियस और एक हो सकती है नॉन कॉन्टैजियस, ठीक है. अब कॉन्टैजियस डिजीजेस कौन सी होती है, तो कॉन्टैजियस डिजीजेज आर दोज डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर
वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कंटेजियस डिसीजेस कौन सी होंगी, स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो डिजीजेस स्प्रेड होगी उसे हम कहेंगे कॉन्टेजियस डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल STDs, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एड्स, जैसे कि सिफिलिस, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है, मोलास्कम, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि STDs, दूसरे चिकन पॉक्स, मीजल्स, लैप्रोसी, ठीक है। तो ये जो डिसीजेज है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है स्प्रेड होती है, ठीक है। नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेज जो होती हैं स्प्रेड वाया फूड, वाटर, एयर एंड एनी वेक्टर, ठीक है। तो एनी डिसीज जो कि कम्युनिकेबल है और जो स्प्रेड होती है किसके थ्रू, फूड के थ्रू, ठीक है, फूड बोन डिसीजेस, ठीक है, वाटर बोन डिसीजेस, एयर बोन डिसीजेस एंड वेक्टर बोन डिसीजेस, ठीक है। तो ये कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती है, फूड बोन डिसीजेस जो है वो कौन सी हो सकती है, वाटर बोन डिसीजेस जो है वो कौन सी हो सकती है, तो कॉलेरा वाटर बोन डिसीजेस है, ठीक है, टाइफॉइड एंड कॉलेरा, ठीक है, बोथ आर वाटर बोन डिजीजेस, ठीक है। फूड बोन डिसीजेस जो है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो स्प्रेड हो सकती है वो भी टाइफॉइड एंड कॉलेरा जो कि फूड के थ्रू, ठीक है, पैरासाइट्स, वॉर्म्स जो होते हैं वो फूड के थ्रू वन पर्सन से अनदर में स्प्रेड हो सकते हैं, एयर के थ्रू फ्लू हो सकता है, ठीक है, जो वायरल फीवर होता है एयर के थ्रू, ठीक है, तो वो उसके क्या होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, एयर में जर्म्स होते हैं और उसकी वजह से वो वन पर्सन से अनदर पर्सन थ्रू एयर स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने स्नीज किया तो स्नीज में जो है उसके वायरसेस जो है वो एयर में आ गए और एयर से दूसरे व्यक्ति ने जब उसे इनहेल किया तो वो जर्म्स उसके अंदर चले गए, तो एंड देन इट कॉजेज डिजीज, तो वो क्या हो गई, नॉन कंटेजियस कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि स्प्रेड होती है एयर के थ्रू। अब वेक्टर बोन डिजीजेस क्या होती है, वेक्टर बोन डिजीजेस जो है वो डिजीजेस होती है विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वाया एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनी वेक्टर विच कैरीज द जर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए वो कौन कैरी करता है, मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो उसके सलाइवा में जो है प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, जब वो दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो प्रोटोजोन्स हैं जो है वो जो जर्म्स है वो दूसरे व्यक्ति में वो पास ऑन कर देता है। इन दिस वे एक मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर है। इसी प्रकार से रैट्स, रैट्स जो है उनके ऊपर फ्ली रहती हैं और वो रैट फ्ली क्या करती हैं, वो एक रैट से दूसरे रैट को क्या फैलाती हैं, प्लेग फैलाती हैं, ठीक है। तो प्लेग का जो बैक्टीरिया है वो रैट्स को करता है बाइट और फिर वो रैट्स के थ्रू ही जो है हमारे एनवायरनमेंट में आता है और वो फिर प्लेग ह्यूमन बींग्स को भी जो है स्प्रेड होता है वाया रैट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दीज आर वेक्टर फॉर द डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, फॉर एग्जाम्पल डेंगू, ठीक है। डेंगू क्या है, एक वेक्टर बोन डिजीज है जो कि मॉस्किटो फैलाता है, ठीक है, जबकि होता वो एक वायरस से है, ठीक है। तो दीज आर वॉट, दीज आर नॉन कंटेजियस डिजीजेस विच स्प्रेड वाया फूड, वॉटर, एयर और थ्रू एनी वेक्टर। सो दीज आर कॉल्ड एज non-contagious diseases. Now we will see non-communicable diseases. ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, communicable diseases. Now we will see non-communicable diseases. So non-communicable diseases जो है वो कौन सी होती है, सबसे पहला non-communicable disease हो सकती है due to deficiency of anything. ठीक है, deficiency of nutrients, deficiency of हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये जो डिसीजेज हैं ये हो सकती है डेफिशिएंसी की वजह से। फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी डिसीज में नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस,
डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी के कारण होती है, ड्वार्फिज्म डॉर्फिज्म जो है ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है, ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक। उसके अलावा रिकेट्स जो कि विटामिन डी कैल्शियम की कमी से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीजेस के अलावा जो है डीजेनरेटिव डिसीजेस, डीजेनरेटिव डिसीजेस कौन सी डिसीजेस होती हैं, जिसमें कि बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, इट मे बी ड्यू टू द ओल्ड एज ऑल्सो, ठीक है। तो ये डीजेनरेटिव चेंजेस क्या है, डीजेनरेटिव चेंजेस मतलब कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डीजेनरेट हो रहा है, जो है धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसे हमने कहा डीजेनरेटिव डिसीजेस। जैसे कि आर्थराइटिस, ठीक है, जो जोड़ों का जो दर्द होता है जिसकी वजह से आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है, जो स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस क्या है, एक डीजेनरेटिव डिसीज है, ठीक। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है वो भी डीजेनरेटिव डिजीज है, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है वो क्या होती है, जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स जिसमें कि ब्लड फ्लो होता है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ट्यूब्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं मतलब कि जो उसकी वॉल होगी, जो नॉर्मली कैसी होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है, कंटिन्यूस हाई बीपी की वजह से या कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने की वजह से वॉल्स में वो क्या होने लगती है, हार्ड होने लगती है, और इसमें कहीं कहीं डिपॉजिट होने की वजह से सम टाइम दे गेट ब्लॉक, और ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, वो कॉज करता है डेफिशिएंसी ऑफ एनी यू नो परफ्यूजन, और ब्लड सर्कुलेशन में जो है किसी पर्टिकुलर पार्ट में वो रोकता है, और उसकी वजह से जो है मायोकार्डियल इश्चिमिया या हार्ट अटैक भी हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में पर्टिकुलर रीजन में जो ब्लड है उसकी यदि कमी होगी सप्लाई की, तो इट विल कॉज स्ट्रोक, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब कि वैस्कुलर इज रिलेटेड टू वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, तो उसे हम कहेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक। तो ये हमने देखा डीजेनरेटिव चेंजेस, ठीक है। इसके अलावा कैंसरस डिजीजेस, ठीक है, द थर्ड वन इज कैंसरस, ठीक है। तो कैंसरस डिजीजेस जो हैं, हमें पता है कैंसरस डिजीज में क्या होता है, कैंसरस ग्रोथ होती है किसी भी पर्टिकुलर सेल्स की या टिश्यूज की, तो दैट इज कॉल्ड एज कैंसरस डिजीज। कैंसरस ग्रोथ मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा ग्रो होना, और वो जो ग्रोथ, जो ग्रोन सेल्स होंगी, न्यू सेल्स, इट विल नॉट नॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स होंगी, तो दैट इज कॉल्ड एज कैंसरस ग्रोथ और डिजीजेस, ठीक है। तो कैंसरस ग्रोथ में ल्यूकेमिया हो सकता है जो कि कहलाता है ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर इज अ कैंसर ऑफ यूट्रस, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर, तो दीज आर कॉल्ड एज कैंसरस डिजीजेस, ठीक है। कैंसरस डिजीजेस के बाद एलर्जिक डिजीजेस, एलर्जिक डिजीजेस कौन सी डिजीजेस होगी, जिसमें जो पर्सन है वो हाइपर सेंसिटिव होगा फॉर पर्टिकुलर एजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हे फीवर, हे फीवर में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एलर्जी होती है या डस्ट एलर्जी होती है, उसकी वजह से जो पर्सन है जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग या रनिंग नोज जो है और वॉटरी आइज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो दैट इज कॉल्ड इज हे फीवर। एस्थमा, एस्थमा जो है एक डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि जो एयर पैसेज है वहां पर ब्लॉक होने की वजह से, किस वजह से ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि एलर्जिक की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी है पर्सन में, हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से अगर कोई एजेंट जिसके की लिए वो सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है तो इट विल शो द रिएक्शन, रिएक्शन होने की वजह से जो एयर पैसेजेस हैं वो ब्लॉक होने लगेंगे और ब्लॉक होने की वजह से उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, दैट इज कॉल्ड इज एस्मा, ठीक। तो एस्मा जो है वो क्या है, एक एलर्जी डिजीज है, ठीक। इसके अलावा हेरिडिटरी डिजीजेस,
यस ठीक है. सो वो ऑलरेडी हम कंजेनाइटल डिजीजेस में हेरिडिटरी डिजीज आ जाएगी तो एक्वायर्ड में वो नहीं आएगी. ठीक. सो ये दीज आर फोर डिजीजेस विच आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड विच आर कम्स इन एक्वायर्ड डिजीज. तो क्या क्या हमने देखा सबसे पहले. सो हमने क्या देखा, जो डिविजन है उसमें हमने क्या क्या देखा, डिजीज क्या होती है हमने देखा, कौन कौन सी होती है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड. कंजेनाइटल विच वी गेट सिंस बर्थ, एक्वायर्ड विच वी एक्वायर आफ्टर बर्थ. ठीक है. कंजेनाइटल दो टाइप की, जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन. ठीक है. एक्वायर्ड दो टाइप की, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल. ठीक है. कम्युनिकेबल डिजीज में हमने क्या देखा, बेसिस ऑन एजेंट्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो सबसे पहला कम्युनिकेबल में हमने कौन सी देखी, बेस्ड ऑन एजेंट, इट कुड बी बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल, पैरासाइटिक एटसेट्रा. ठीक है. कम्युनिकेबल विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पे हमने देखी कॉन्टेजियस, नॉन कॉन्टेजियस. ठीक है. कॉन्टेजियस हमने देखी विच स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है. नॉन कॉन्टेजियस हमने देखी स्प्रेड बाय फूड, वाटर, एयर एंड वेक्टर, नॉट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है. सो हमने फिर नॉन कम्युनिकेबल देखा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. सो डेफिशिएंसी डिजीज, डिजनरेटिव डिजीज, कैंसरस डिजीज एंड एलर्जिक डिजीज. ठीक है. सो इन दिस वे दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. नाउ वी विल सी द व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर विच कॉजेस डिजीजेस. ठीक है. सो देयर आर सम फैक्टर विच कॉजेस डिजीज. नाउ वी विल सी दोज फैक्टर्स.